हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नए बारे में जानने वाले हैं, कुछ नया। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सफाई मित्र के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ नगर पालिका निगम भोपाल। मैं इस समय भोपाल में हूँ फ्रेंड्स, और मैं इसमें कुछ आप लोगों को जैसे होटल टाइप में कुछ जानकारियाँ देने वाला हूँ। ऐसे ही फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे सामने एक ये ठेला लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा है श्री यादव जी आलू बड़ा मंगोड़े मिर्ची भंडार। देख पा रहे हैं, ये बाहर से ये ठेले तो देखने हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग देख पाते हैं कोई भी ठेला हो बाहर से, या पानी पूरी का हो, चाउमीन चाट बर्गर, ये सब के ठेले जो हैं ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। क्या हम जानते हैं कि ये बाहर से जितने सुंदर दिखते हैं क्या ये अंदर से भी होंगे? तो फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स आप लोगों को देने वाला हूँ। जैसे कि आप हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पर श्री यादव जी आलू बड़ा मंगोड़े। बाहर से कितना ये सुंदर दिख रहा है ये ठेला, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर ये टेंट वेंट पूरा एकदम लगा हुआ है, जैसे कि इसके पीछे वो बाउंड्री है जिसको ये लोग बैठ कर नाश्ते या ये पानी पूरी या कुछ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, क्या ये जितना बाहर सुंदर बाहर से दिखता है क्या ये अंदर से भी दिखता है? तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं इसके पास। तो फ्रेंड्स, हम इस समय आ चुके हैं, जैसे कि ये भाई साहब हमारे इंतज़ार कर रहे हैं किसी की, कब तक ये इंतज़ार खुलने वाला है ये। तो मैं इसमें दिखाने वाला हूँ आपको कितनी सुंदर व्यवस्था होती है इन ठेलों पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये कितनी अच्छी है, ये कितनी साफ सफाई ये लोग रखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि अंदर कितनी साफ सफाई हो रही है फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं आप। और हम लोग इसी के पीछे हम भागे पड़े रहते हैं कि यार चलो गुपचुप खाते हैं या पानी पूरी खाते हैं, फुल्की खाते हैं फ्रेंड्स, चाउमीन बर्गर, ये इनकी साफ़ सफाई का कुछ है, इस प्रकार से ध्यान दिया जाता है और हम लोग को ये ज़्यादा बहुत पसंद आता है। अगर घर पर बनाए क्या यार, घर पर कैसे बना होता है कैसे नहीं, और यही अगर दुकानें खाएँ तो कितना अच्छा होता है। तो दुकानों में कुछ इस प्रकार से इतनी शुद्धता इन लोग में भरी होती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितनी शुद्ध है ये ठेला। अंदर ऐसे लग रहा है कि जैसे भैंस यहाँ पर कचरा की हो, अपना गोबर की हो, ऐसे ही इन ठेलों के बीच में ऐसे कुछ हमें को देखने को मिलता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इन पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए और इन ठेले वालों से बचिए, या ये पानी पूरी है जो बाहर की बनाने जो आप लोग खाते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ, इनसे थोड़ा बचिए। और आप भारत के नए भविष्य हैं, थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जीवन भी खुशहाल बीतेगी। धन्यवाद फ्रेंड्स, आते रहेंगे ऐसे ही नए मज़ेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।